गाइस आज अपन को जल्दी से जल्दी स्कूल के ग्राउंड पे पहुंचना होगा, नहीं तो अपन रेस के लिए लेट हो जाएंगे, क्योंकि आज सोनिक एक रेस करवा रहा है बच्चों के बीच, और जो भी बच्चा इस रेस को जीतेगा उसको सोनिक अडॉप्ट करेगा। चलो मैं भी आके खड़ा हो गया रेस की लाइन पर, और वो रहा सोनिक, और बच्चों मेरे सिटी पर तुम लोगों की रेस स्टार्ट होगा, लेट्स गो। ऑल राइट, मैं सबसे ज्यादा तेज हूँ, लेकिन ये वाला बच्चा काफी तेज भाग रहा है, लेकिन इससे पहले मैं पहुंचूंगा। ओके मैं पहुंच गया, ये तो बिल्कुल मेरे बात आया है, और ये दोनों तो और भी लास्ट, इसका मतलब मैं ही विनर और मैं ही हूँ सबसे ज्यादा ताकतवर। निकल तू इधर से, बच्चे कहीं का भाग इधर से। ओके मैंने इसको लात मार के नीचे गिर दिया है। अरे बच्चे तू तो काफी तेज है, तूने रेस को जीत लिया है, अभी तू चल मेरे साथ मेरे घर पर, ये रहा मेरा गाड़ी। मास्टर सोनिक ये आपकी गाड़ी है? ये वाला गाड़ी तो काफी ज्यादा औसम है, क्या आप इसको चला सकते हैं? ओके बच्चे तू चलाने चाहता है तो चला। ओके अपन को मास्टर सोनिक की गाड़ी चलाने का मौका मिल रहा है, चलो अपन जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये वाला गाड़ी तो काफी ज्यादा औसम है, चलो अपन चलते हैं गाड़ी लेकर मास्टर के घर पर। लेकिन मास्टर आपके घर कहाँ पर है? अरे बच्चे मेरे घर सिटी के बाहर है, तू चल उधर। ठीक है चलो अपन चलते हैं सिटी के बाहर, और इस वाली गाड़ी से अपन बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। इस गाड़ी का स्पीड तो काफी तेज है, ये क्या है? अरे भाई साहब ये क्या है? ये तो किस तरह का ड्रोन आ गया अपने पीछे, और तो बहुत तेज से गोली मार रहा है, लेकिन मास्टर की गाड़ी की वजह से अपन को ज्यादा गोली नहीं लग रहा। अरे बच्चे ये मेरा दुश्मन डॉक्टर एक्समैन का ड्रोन है, काफी खतरनाक है, तू मुझे गाड़ी चलाने दे, और मेरे गाड़ी के पीछे आरपीजी रखा हुआ है, तू उस आरपीजी से इस ड्रोन को फोड़ने की कोशिश कर। ऑल राइट ठीक है मास्टर, आप गाड़ी चलाओ और मैं इस ड्रोन को उड़ाने की कोशिश करता हूँ। अपन आ चुके इस गाड़ी के टॉप पर आरपीजी लेकर, और ये ड्रोन तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। ओके इसको मैंने एक शॉट मारा है। ले अरे बच्चों कैसे गया? दो शॉट, बहुत सारे एक शॉट में मर जाएंगे। अरे यार ये ड्रोन तो काफी चला गए। ओके और थोड़ा सा ही इसके हेल्थ बाकी है। ले ड्रोन के बच्चे बहुत हो गया इसका, एक और शॉट ले ले। ये ड्रोन तो अपनी पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, लेकिन फाइनली अपन ने इस ड्रोन को उड़ा दिया है। अभी अपने मास्टर ने अपन को गाड़ी का कंट्रोल दे दिया है, और मास्टर साइड में बैठ गए। चलो अभी अपन चलते हैं मास्टर के घर पर, और शायद अपने पीछे कोई नहीं आएगा। वास्तव ये क्या है? ये क्या हो रहा है? किसी ने हम लोगों को बहुत ही जोर से मारा है, ये कौन है? अरे बच्चे और तेज भगा, ये तो मेरे और भी खतरनाक दुश्मन शैडो आ चुका है। ओके इसका नाम शैडो है, लेकिन ये क्या ही मार रहा है? इस शैडो का बच्चा तो काफी खतरनाक है, ये तो अपना पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अरे भाई साहब ये क्या, इसने इतना जोर से मारा है, अपनी गाड़ी को उड़ा दिया है। ओके अपन इधर आके लैंड कर गए, लेकिन अपन ने किसी तरह अपनी गाड़ी को सही कर लिया है। अरे ये क्या, ये तो फिर से आ गया। इस बार इसने इतना जोर से मारा है, अपनी गाड़ी को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया है। इतनी तेज कौन मारता है पता नहीं, लेकिन हम लोग फिर के बहुत दूर आ गए। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या, मैं तो इधर हूँ, मास्टर कहाँ पर गए? उसने इतनी तेजी से मारा, अपने मास्टर साथ गाड़ी से गिर गए। अभी अपन क्या करें? चलो अपन थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, देखते अपने मास्टर कहाँ पर है। शायद हम लोगों की गाड़ी इधर से उड़ के आया था, इसका मतलब मास्टर आसपास ही होंगे। चलो अपन देख लेते इधर से, और शैडो ने शायद हम लोगों को इतना जोर से मारा है वो खुद ही हम लोगों को ढूंढ नहीं पा रहा। लेकिन अपने मास्टर है कहाँ पर? ओए बच्चे इधर देख। ऑल राइट ये रहा मास्टर, ये क्या हो गया इनको? अरे बच्चे ऊपर से गिर गया, मेरा टांग टूट गया है, अभी मैं सही से चल नहीं सकता। ओके इसीलिए मास्टर इधर बैठे हुए हैं। लेकिन मास्टर आप किस तरह गाड़ी में आ जाओ, मैं आपको आपके घर लेके चलता हूँ। अपनी मास्टर तो किस तरह आकर गाड़ी में बैठ गए, अभी इनको लेकर इनके घर पे चलते हैं। मास्टर को लाकर अपन ने उनकी चेयर पे बैठा दिया है। अरे बच्चे अभी तू थोड़ा सा आराम कर ले, जब मेरे पैर ठीक हो जाएगा उसके बाद से तेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। गाइस अभी अपनी एज 10 साल है, और अभी अपन काफी तेजी से ट्रेडमिल पे भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपनी मास्टर के दुश्मन और भी ज्यादा पावरफुल बन रहे हैं, और अपनी मास्टर के पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ सही से, इसलिए अपन को और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना होगा ताकि अपन मास्टर के दुश्मनों को हरा सके। ये क्या अपनी मास्टर को चल के आ रहा है? मतलब अपनी मास्टर अभी चल सकता है, लेकिन पहले की तरह भाग नहीं सकता, पता नहीं मास्टर के पैर कब ठीक होगा। अरे बच्चे ये तू क्या कर रहा है? मास्टर मैं ट्रेडमिल पे भागने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं और भी तेज बन पाऊँ आपकी तरह। अरे नहीं बच्चे नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे 80 बार ट्रेनिंग दूंगा अब। लेकिन मास्टर आप मुझे ट्रेनिंग कैसे दोगे, अब तो खुद ही नहीं चल सकते। अरे बच्चे तेरी ट्रेनिंग के लिए मुझे चलने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक खास आइडिया है। अरे भाई साहब अपने मास्टर पागल है क्या, ट्रेनिंग के नाम पर अपने पीछे जागो छोड़ दिया है, अगर ये लोग मेरे को पकड़ेगा जिंदा खा जाएगा। ये लोग क्या ही दहाड़ रहे, सच में लोग पकड़ेंगे तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे।
और गाइस इनसे बचने के लिए आप लोगों की लाइक की जरूरत है, तो जल्दी से लाइक करो। चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। अपन एज दी ऑसम वाली जीडीएफ की वीडियोस लाएंगे। अभी चलो अपन को किसी तरह इनसे बचना होगा। अरे बच्चे और भी तेज भागने की कोशिश कर, नहीं तो जैगुआर तुझे छोड़ेगा नहीं, जिंदा खा जाएगा। ये क्या अपनी मास्टर तो अपने ऊपर नजर रखा है, लेकिन अपनी मास्टर अपन को देख कैसे रहा है? बच्चे तेरे पीछे देख, मैंने डॉक्टर एग्जमैन का एक ड्रोन को अपने कंट्रोल में कर लिया है और उससे ही मैं तेरे ऊपर नजर रख रहा हूँ। क्या मेरे पीछे ड्रोन है सच में? अरे सच में मेरे पीछे तो ड्रोन आ रहा है, इसी से शायद अपनी मास्टर अपने ऊपर नजर रख रहा है। क्या कोई बात नहीं, चलो अपन जल्दी से भागते हैं। इधर क्या है? इधर तो कुछ लोग खड़े हैं, शायद लोगों का कैंप है इधर, लेकिन ये लोग तो मेरे पीछे आता ही जा रहा है। चलो मैं इस घर के ऊपर चढ़ जाता हूँ। ऑल राइट, मैं सही टाइम पे इधर चढ़ गया। सारे लोग डर के मारे भाग गए, लेकिन ये जैगुआर मेरे पीछे पड़ा है, किसी को नहीं खाया। अरे यार अभी मैं क्या करूँ? चलो मैं इधर से उतर के भागता हूँ। ओके मैं इधर उतर गया, इधर शायद ये लोग नहीं आएंगे। अरे भाई साहब ये क्या, इधर भी ये लोग आ गए। अभी तो सामने पहाड़ है, मेरे को भी तेज भागना होगा, नहीं तो अपन क्या काम से। कम ऑन और तेज। ओके अभी शायद मैं थोड़ा सा तेजी से भाग रहा हूँ, लेकिन ये लोग भी आ रहे पहाड़ के ऊपर। खैर कोई बात नहीं, चलो अपन भागते हैं। अभी शायद ये लोग मेरे पीछे से हट गए, देख रहे हो इसके ऊपर शायद ये लोग आ नहीं सकते। क्या लोग आ रहे? अरे भाई साहब क्या, अरे तू पहाड़ के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। खैर ये लोग थोड़ा सा पीछे छूट गए, और यही मेरे लिए मौका है इधर से निकलने का। ओके अपन काफ़ी देर से मास्टर के पास भाग के आ गए। मास्टर आपकी ट्रेनिंग की वजह से अपन काफ़ी ज़्यादा तेज बन गए। अरे बच्चे तेजी कुछ भी नहीं है, क्या तू पानी के ऊपर भाग सकता है? पानी के ऊपर भागना होगा, ये तो इम्पॉसिबल है पानी के ऊपर भागना। अरे बच्चे इम्पॉसिबल नहीं है, मैं पहले पानी के ऊपर भाग सकता था। अपन इधर आ चुके पानी के ऊपर भागने के लिए, चलो अपन ट्राई करते हैं, लेट्स गो। अरे भाई साहब ये क्या हुआ, मैं थोड़ी देर तो भाग के आ गया था, लेकिन उसके बाद मैं डूब गया। मास्टर मैंने कोशिश किया था, लेकिन अपन थोड़ी दूर जाकर ही डूब रहे। अरे बच्चे कोई बात नहीं, ये ले मेरे एक बाल, मेरे बाल में इतना ज्यादा एनर्जी है, इससे तुझे बहुत ही ज्यादा पावर मिल जाएगा और तू पानी के ऊपर भी भाग सकता है। ओके अपन को मास्टर के बाल तो मिल गया है, चलो अपन इधर भागने की कोशिश करते हैं। ये क्या, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, अपन तो पहले जैसे ही भाग रहे। मास्टर आपकी बाल से तो कुछ भी नहीं हुआ, अपन तो पहले जैसे ही भाग रहे। अरे बच्चे पता नहीं क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। खैर बच्चे जो भी हो, अभी तू शहर चला जा मेरी गाड़ी लेकर, और मेरी दवाई खत्म हो गया है, मेरे लिए दवाई लेके आ। ओके ठीक है, चलो अपन सबसे पहले मास्टर के लिए दवाई लेते हैं, क्योंकि दवाई लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके अपन ने दवाई खरीद कर बैग के अंदर डाल दिया है। ये क्या बात, तो बारिश स्टार्ट हो गया है। खैर कोई बात नहीं, चलो अपन जल्दी से घर पहुँचते हैं, ऐसी बारिश में गाड़ी चलाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। खैर कोई बात नहीं, अपन को घर तो जाना ही होगा। अभी तो बिजली भी कड़क रहा है, ये क्या हो रहा है? और बहुत सब टोर्नेडो कहाँ से आ गया, ये क्या ही खतरनाक चीज़ हो रहा है। सामने बिजली गिर रहा है और साइड में टोर्नेडो आ गया है, चलो अपन को जल्दी से जल्दी घर पहुँचना होगा। और भाई ये क्या, इधर भी एक टोर्नेडो बन रहा है, चारों तरफ टोर्नेडो ही टोर्नेडो है। ये क्या, मेरे गाड़ी को टोर्नेडो ने खींच लिया है, अभी मैं क्या करूँ? चलो मैं गाड़ी से कूद जाता हूँ। ऑल राइट, लेकिन मेरे को भी ये टोर्नेडो घुमा रहा है। और भाई साहब ये क्या हो गया, मेरे ऊपर बिजली भी गिर गया है, आज अपना किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है। अपन टोर्नेडो के अंदर फंस गए, ऊपर से अपने ऊपर बिजली भी गिर गया, आज तो अपन गए काम से। कम ऑन निकलते अपन इधर से। ऑल राइट शायद अपन टोर्नेडो से बाहर आ गए। क्या मेरे पास पैराशूट है? ओके अपने पास एक पैराशूट था, चलो अपन फाइनली टोर्नेडो से बाहर आ गए। और पता नहीं अपनी मास्टर की गाड़ी कहाँ पर चला गया है। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, मेरा स्पीड कैसे बढ़ गया? अपने पास मास्टर के एक बाल था और अपने ऊपर बिजली गिरा था, इसका मतलब मास्टर के बाल के अंदर जो भी पाव था अभी वो अपने अंदर आ गया है बिजली गिरने की वजह से। और अपने स्पीड देख रहे हो, अपन क्या ही तेज बन गए। मास्टर की गाड़ी तो गायब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन अभी भाग के मास्टर के लिए दवाई लेके चलते हैं। घर पहुँचते पहुँचते वो इधर बिल्कुल ठीक हो चुका है, अभी बस थोड़ी बहुत पानी इधर उधर है। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, क्या अपन अभी पानी के ऊपर भाग सकते हैं? चलो अपन ट्राई कर लेते इस बार। ऑल राइट, सच में अपन तो पानी के ऊपर भाग सकते हैं। चलो अभी मास्टर के पास चलते हैं, मास्टर को उनकी दवाई देना है। ये क्या, अपने मास्टर क्या किधर? मास्टर तो इधर कहीं पर भी नहीं है, शायद ऊपर हो सकता है, चलो अपन ऊपर चलते हैं। लेकिन ये क्या, इधर भी मास्टर नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, ये तो मास्टर की फेवरेट रेडियो है, चलो मैं इस रेडियो को ऑन करता हूँ। अरे बच्चे शैडो मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, मेरे टांग अभी ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना होगा और भी पावरफुल बनना होगा। शैडो मास्टर को पकड़ के ले गया, इस शैडो की ऐसी की तैसी, अभी अपन पावरफुल बन गए, लेकिन अपनी मास्टर ही चला गया।
चलो अपन मास्टर को ढूंढते हैं, मास्टर है कहाँ पर। गाइस अपनी मास्टर को ढूंढते हुए पूरी एक साल हो चुका है, लेकिन अपनी मास्टर कहीं पर भी नहीं मिला। अपन ने पूरी मैप को छान मार लिया है। ये क्या, अरे भाई सब ये रहा शैडो। लेकिन ये क्या, ये तो भाग के चला गया मिलिट्री बेस के अंदर। इस शैडो के पास इतना तेज है, मेरे देखने से पहले निकल गया। लेकिन कोई बात नहीं, इस शैडो शायद मिलिट्री वाले को शायद मिला हुआ है। चलो अपन भी चलते हैं मिलिट्री बेस के अंदर। अरे भाई साहब अंदर आते ही टैंक अपन को शूट कर रहा है। किसी को नहीं अपन छोड़ेंगे जब तक अपन को मास्टर नहीं मिल जाता। इस टैंक कैसे कैसे ले तू, मेरे को शूट करेगा जब तक तुम लोग अपन को नहीं बताओगे शैडो कहाँ पर है। अपन तुम सबको मार जाएंगे। ये लोग अचानक से मेरे को शूट करना बंद कर दिया है और इनका जनरल बाहर आ चुका है। अरे बच्चे तू हमारे सोल्जर को क्यों मार रहा है? जनरल आप मुझे जल्दी बताओ शैडो कहाँ पर है? अरे बच्चे ये बात है, अरे शैडो तो काफी खतरनाक है, उसने हमारे बहुत सारे सोल्जर को मारा है और उसके साथ नीले कलर का और भी कोई था, वो दोनों हमारे टाइम ट्रेवलिंग पोर्टल से कहीं पर चला गया है। चलो इनके टाइम पोर्टल से अपन भी चलते शैडो के पीछे। ये रहा मिलिट्री वालों का टाइम ट्रेवलिंग वाला पोर्टल। चलो अपन एक झटके से निकलते इसके अंदर से, लेट्स गो। ओके अपन फाइनली टाइम पोर्टल से बाहर आ चुके। लेकिन ये कौन सी जगह है, इधर तो चारों तरफ रेत ही रेत है। ओके सामने मुझे कोई दिखाई दे रहा है। ये क्या, ये रहा शैडो और ये रहा अपना मास्टर। अरे सोनिक फाइनली तेरा वक्त खत्म होता है, तूने बोला था तेरा स्टूडेंट तुझे बचाने आएगा, लेकिन कहाँ पर है तेरा स्टूडेंट, कोई भी तुझे बचाने नहीं आया। आज तेरा वक्त खत्म होता है और फाइनली मैं तुझे इधर खत्म कर दूंगा। ओके अपनी मास्टर को मारने वाला है इसके ऐसी की तैसी, चले तू। लेकिन अपनी मास्टर ठीक कैसे हो गए? अरे बच्चे मुझे नहीं पता मैं कैसे ठीक हो गया, लेकिन शैडो जब मुझे लेकर टाइम ट्रेवल कर रहा था उस पोर्टल के अंदर कोई एनर्जी था जिसकी वजह से मैं ठीक हो गया। खैर मास्टर चलो अभी हम लोग इधर से निकलते हैं। अरे बच्चे इतना ऐसा नहीं है, शैडो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो अभी हम लोगों को मारने के लिए आ रहा है। ओके सच में शैडो आ चुका है और आकर ही मेरे को मार दिया है। इस शैडो की ऐसी ले तू, जोर की पंच मारा अपन इसको। अभी अपनी मास्टर भी इसको मार रहा है, ले तू। अपन दोनों मिलकर इसको मारेंगे। शैडो के बच्चे पहले दिन से ही अपने पीछे पड़ा था, बहुत हो गया शैडो की। ले इस बार इसको मैंने इतना जोर से मारा है, ये तो बहुत दूर चला गया। रे क्या ये तो फिर से आ रहा है, इसकी बहुत हो गया। ले तू क्या उठ पाएगा? ओके फाइनली हम लोगों ने शैडो को हरा दिया है मास्टर के साथ। सो गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। अपना ड्रैगन आर्मी 1 मिलियन की बहुत ही ज़्यादा पास है, तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करके 1 मिलियन करवा दो। एंड गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर लिखो अब लोग और किसकी मास्टरमाइंड लाइफ देखना चाहते हो। सो खैर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।